जोर से खर्राटे भर रहे हो तुम, चुप हो जा केशु। केशु केशु, कैसा प्लेन? प्लेन कुकी, मैं यहाँ नीचे कैसे आ गया? शायद तुम्हारी लैंडिंग हो गई है। ओ माय गॉड कुकी, क्या हुआ? मैंने एक भयानक सपना देखा। कैसा सपना? मैं प्लेन से सफर कर रहा था। हाँ, मेरी बगल में एक औरत बैठी थी। यानी कि मैं? नहीं, वो तो खूबसूरत थी। तो तुम्हारी बगल में क्यों बैठी? अरे उस बेचारी का पति बीमार था। बीमार तो मेरा पति है। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और उसे समझाया, रो मत, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। उतने में कोकी, हवाई जहाज, प्लेन एकदम से हिलने लगा, यूं ऐसे हिलने लगा। तो तुम्हारा हाथ उसके सिर पर नहीं रहा होगा? नहीं, मेरा हाथ तो उसके सर पर ही था। प्लेन के हिलने से वो बेचारी एकदम से घबरा गई। मैंने कहा, डरना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। उतने में कहीं से एक मनहूस एयर होस्टेस आई और उसने मुझे यूं जोर से धक्का दिया कि मैं पलंग के नीचे। मुझे तो लगता है मनहूस एयर होस्टेस मैं ही थी। क्योंकि यार तुम हमेशा मेरा सपना तोड़ देती हो। तो तुमको शर्म नहीं आती? सपने में भी अकेले सफर करते हो? अरे बाबा, वही तो एक फैसिलिटी है जिससे मैं कहीं भी अकेला जा सकता हूँ। कम से कम आज के दिन चिंटू और मुझे साथ ले जाते। क्यों, आज क्या है? लो, ये भी याद नहीं। अरे बाबा बताओ क्या है आज? आज हमारी शादी की सालगिरह है केशु। अफो, मुझे तो लगा कोई खास बात है। नहीं, खास बात नहीं है। क्यों है? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। प्रॉमिस। कुकी, कोकिला मेरी बात सुनो। कोकिला देखो, कोकिला शादी की सालगिरह पर इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। छोड़ दो मुझे। अरे मुझे लगा था तुम मुझे कुछ बधाई दोगे। अफो ये बात है, चलो बाबा हम आपको बधाई देते हैं। आप मेरे पास नहीं आना। ऐसा मत बोलो, अरे तुम तो मेरी इकलौती बीबी हो। छोड़ो, ये सब नाटक है, झूठ मूठ का प्यार है। नो नो नो, नाटक नहीं है मैम साहब, ये सचमुच का प्यार है। थैंक यू चिंटू। डैडी वन मोर प्लीज। तुमको भी अकल नहीं है, चिंटू ने सब देख लिया। अरे मम्मी, ये सब रोज ही तो देखता हूँ टीवी पर। चिंटू तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या? नहीं। क्यों? आज आपकी शादी की सालगिरह है ना, तो तुम्हें उससे क्या? आज मेरा भी खुशी का दिन है। वो कैसे? डैडी, अगर आप दोनों शादी नहीं करते तो मैं कहाँ से आता? ए चिंटू, आउट, गेट आउट, बाहर जाओ। ये कहाँ से सीख के आते हैं? देखो कोकिला, तुम चिंटू को स्कूल भेजने की तैयारी करो। चिंटू आज स्कूल नहीं जाएगा। क्यों? और तुम भी दफ्तर नहीं जाओगे। लेकिन क्यों? क्योंकि आज संडे है, मैंने कुछ सोचा है। देखो ये सस्पेंस जो है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जो भी कहना है फट से कहो। ठीक है, तो फट से सुनो। आज मैंने पूरे दिन की प्लानिंग बनाई है। प्लानिंग? कैसी प्लानिंग? आज दोपहर का खाना हम किसी अच्छे होटल में खाएंगे। हा? उसके बाद कोई रोमांटिक पिक्चर देखने जाएंगे और शाम को शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग? ये तो मेरी जेब खाली करने की प्लानिंग है। तुम्हारी जेब हमेशा खाली रहती है, खासकर हमारे लिए। दोस्तों के लिए तुम्हारे पास पैसे रहते हैं। ये क्या बक रही हो? बक नहीं रही हूँ, सच कह रही हूँ। ये झूठ है। हफ्ते में कम से कम एक बार तुम दोस्तों के साथ पार्टी मनाते हो कि नहीं? झूठ है ये। ये सच है। ये झूठ है। सच है, ठहरो अभी दिखाती हूँ। ये लो होटल का बिल, तुम्हारी जेब में मिला। लेकिन मेरी जेब में हाथ डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सोचा था 5-10 रुपए मिलेंगे इसलिए डाला था, लेकिन ये बिल मिला और उस वक्त मैं दूसरी जेब में हाथ डालना भूल गई थी, तो अब डालती हूँ। इसमें तो सिर्फ रुमाल है। अरे लेकिन ये रुमाल इतना छोटा कैसे हो गया? लगता है किसी लड़की का रुमाल है। लड़की का रुमाल? दिखाओ। खबरदार, मुझे देखने दो। आर कौन है? मैं नहीं जानता। झूठ मत बोलो, तो फिर उस लड़की का रुमाल तुम्हारी जेब में कैसे आया? आहा, मैं भूल गया, ये मेरा ही रुमाल है। तुम्हारा नाम क्या है? केशु। तो इस पे के होना चाहिए, आर नहीं। सच बताओ उस चुड़ैल का नाम? रेखा, रवीना, रूपा, राजश्री। इतनी सारी मैं नहीं जानता। ये आर कौन है मैं नहीं जानता।
आज मुझे पता चला कि तुम ऑफिस से इतने लेट क्यों आते हो। अरे ओवर टाइम मैडम, ओवर टाइम। आज मुझे तुम्हारे इस ओवर टाइम का पता लग गया। देखो कोकी, मुझ पे शक मत करो। अरे आज हमारी शादी की सालगिरह है। मेरी तो बर्बादी की सालगिरह है। सच सच बताओ, सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। सूख गया है मेरा खून तुमसे झगड़ा कर करके, सूख गया है। तुम चुप। सुनो, पड़ोसी सुन रहे हैं। सुनने दो, उनको भी पता लगने दो कि कैसे आदमी के साथ मैंने 10 साल निभाए। ऑलराइट, चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। साले कुट्टी के बच्चे की तुम्हें खटिया खड़ी कर दूंगा। कुट्टे, ओ मिस्टर कुट्टे। यस मिस्टर कुलकर्णी, क्या बात है जी? ये क्या कर रहे हो तुम? ये दीवार पर हथौड़ा क्यों मार रहे हो? वाह, बात यह है कि हम क्या आपको ऐसा लगा हम लोग झगड़ा कर रहे हैं? अरे हम लोग शादी की सालगिरह मना रहे हैं। हम कब बोला कि मत मना बोल के? तो फिर ये दीवार पर हथौड़ा क्यों मार रहे हो? वो बात यह है जी कि हम हमारा फादर का फोटो दीवार से निकाल रहे हैं जी। क्यों, फादर बदल गया? क्या बात करता है जी? वैसा बात नहीं है, हम ये फ्लैट छोड़कर मद्रास जा रहा है। मद्रास क्यों? फॉर पीस ऑफ माइंड जी, शांति के लिए। पीस ऑफ माइंड, गो टू हेल। देखो उस कुट्टी के बच्चे ने कैसा ताना मारा। हम लोग इस फ्लैट को छोड़ के जा रहे हैं फॉर पीस ऑफ माइंड। तुम्हारी वजह से कोकी, तुम्हारी वजह से इस सोसाइटी में मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकूंगा। चिल्लाओ मत, तुम्हारे चिल्लाने से मैं ये रुमाल भूल नहीं जाऊंगी। अरे रुमाल गया भाड़ में। रुमाल नहीं जाएगा भाड़ में, भाड़ में जाएगी वो चुड़ैल। देखो ज्यादा शक मत करो, वरना वरना मैं एकदम खतरनाक आदमी हूँ। मैं खलनायक हूँ, खलनायक। साबित हो चुका है, खाक साबित हो चुका है। उस कुट्टी के बच्चे ने फिर से हथौड़ा मारना शुरू किया। मैं उसको हाथ नहीं छोड़ूंगा। चिंटू, चिंटू, हमारा हथौड़ा लेकर आओ। आ लाता हूं। तमाशा कर रहे हो तुम? उसका आज आखिरी दिन है। अरे तमाशा तुम कर रही हो और आखिरी दिन मेरा है। डैडी, ये लो हथौड़ा। हाँ ले आए हथौड़ा, दीवार पे मारना शुरू करो। तब तक मैं और तुम्हारी माँ झगड़ा करते हैं। ओके डैडी। बोलो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। हाँ। मैं मैके जा रही हूँ। अच्छा, मैके जा रही हूँ। ये लो ट्रेन की टिकट के पैसे और मैके जाओ। कुलकर्णी, मिस्टर कुलकर्णी, कुलकर्णी जरा क्या? जी, बात ये है कि तुम्हारा शादी का सालगिरह जरा आस्ते आस्ते मनाना जी। क्या मतलब? पलंग का बहुत आवाज आता है। अच्छा, बहुत आवाज आता है। चिंटो, और जोर से। चिंटो, और जोर से। ये तुम क्या कर रही हो? मैं मायके जा रही हूँ। मायके जा रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी। नहीं जाओगी? मैं जरूर जाऊंगी। अच्छा, जाना है तो कल जाना, आज मत जाओ। क्यों? अरे आज संडे है, तुम चली जाओगी तो 2 वक्त का खाना मुझे बनाना पड़ेगा। आज मैं ऑफिस की कैंटीन में खा लिया करूंगा। इसका मतलब तुम्हें बीवी नहीं कुक चाहिए? हाँ। क्या? अच्छा जाओ, जाओ, जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखना मैं कैसे जल्दी वापस मत आना। अब मैं नहीं जाऊंगा। अरे वाह, अब तुम नहीं जाओगी? क्यों? क्योंकि मैं मायके चली गई तो तुम उस चुड़ैल को यहाँ ले आओगे। अब तो तुम्हें जाना ही होगा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ूंगी। मुझे रंगे हाथ पकड़ोगी? तो पहले मैं ये तुम्हारी बैग पकड़ूंगा और उसे उठाकर बाहर फेंक दूंगा, और बाद में तुम्हें भी। ये हाथ पकड़ेगी। कमाले कैसे कैसे लोग रहते हमारे बिल्डिंग में, जाओ जाके ढूंढिए उसे। अयो, हम कहे को ढूंढेगा? जिसने बैग फेंका वो तो ढूंढने को नहीं आएगा। अगर वो ढूंढने को आएगा भी ना तो हम उसका सिर फोड़ डालेगा। क्या है? खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अच्छा। चिंटू बेटे, तुम्हारी मम्मी है? हाँ है,
उनसे जाकर कहो अरुणा भाभी आई हैं। पर वो दुखी है। दुखी है? क्यों? आज उनकी शादी की सालगिरह है ना। ओए, शादी की सालगिरह इन्हें वास्ते दुखी है? नहीं नहीं नहीं, आज पापा से उनका झगड़ा हुआ और वो चले गए, इसलिए दुखी है। ओहो, इतनी सी बात, उनसे जाकर कहो तो अरुणा भाभी आई हैं। मम्मी बार-बार आंटी आई है। हाँ हाँ आ रही हूँ। बोलो अरुणा, कैसे आना हुआ? अरे वो तो सब छड़, मैनू ये बता कोकिला, तू इतनी दुखी क्यों है? मैं नहीं तो? नहीं तो क्या, झूठ मत बोल, मुझे चिंटू ने सब बता दिया। तुम्हारा केशव से झगड़ा हुआ क्या? जरा सा। ये तो बड़े दुख की बात है। खैर, मैं तो तुझे ये बताने आई थी कि आज टेरेस पे कुट्टी का सेंड ऑफ है, तू चल रही है ना? नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे कोकिला, वो बेचारा तो आज आखिरी बार तुम्हारा पड़ोसी है, कल से तो कोई दूसरा पड़ोसी आ जाएगा। वैसे कौन आने वाला है कुछ पता है? हाँ, मैंने सुना है कोई चमक छल्लो आ रही है, एक्ट्रेस, वो प्रेमा शालिनी नाम है उसका, वो टीवी और फिल्मों में काम करती है। तब तो बालकनी में पर्दे लगवाने पड़ेंगे। नहीं कुछ नहीं। अच्छा तो मैं चलती हूँ, मैंने सुना है वहाँ पे कुछ खाने पीने का भी इंतजाम है। कोकिला, कल मेरी बेटी यहाँ पे कोई अपना रुमाल तो नहीं भूल गई? रुमाल? कल यही तो चिंटू के साथ खेल रही थी। चिंटू? जी मम्मी। चिंटू बेटे, तुमने रंजना का रुमाल देखा कहीं? नहीं। हाँ, एक रुमाल देखा था। कहाँ है? वो तो मैंने डैडी के जेब में डाल दिया। आर? उस पर आर लिखा हुआ है क्या? हाँ, रंजना ने लिखा था। कहीं ये तो नहीं? अरे हाँ, यही तो है। आपके बच्चे से कहना आइंदा यहाँ रुमाल लेकर आया ना करे। रुमाल लेके नहीं आया करे? क्यों? अरे क्यों, क्या क्यों, इस रुमाल ने मेरी शादी की सालगिरह बर्बाद कर दी। शादी की सालगिरह बर्बाद कर दी रुमाल ने? क्या हंस रही हो? मैं सब समझ गई। केशु, केशु मुझे माफ कर दो, मैंने खामखा तुम पर शक किया, मुझे माफ कर दो केशु, प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा बाबा, हमने हमारी मैम साहब को माफ कर दिया। थैंक यू। तुम कब आए केशु? अभी आया। और ये साड़ी मेरे लिए लाया? यस। अब तो तुम्हारा शक दूर हो गया डार्लिंग। ये सब चिंटू की वजह से हुआ, इसी ने तुम्हारी जेब में वो रुमाल रख दिया था। अच्छा? क्यों चिंटू? मुझे लगा ये आपका रुमाल है डैडी। तो फिर सुबह क्यों नहीं बताया? मुझे क्या मालूम कि आप इतने छोटे से रुमाल के लिए इतना बड़ा झगड़ा करेंगे। चुप। चलो चलो, तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। केशु, I'm very sorry, मैं अभी तुम पर कभी शक नहीं करूंगी। That's like a good girl, darling. साड़ी कैसी लगी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी? बहुत अच्छी है केशु। और तुम भी कितने अच्छे हो। मैं भी अच्छा हूँ, ये सुनने के लिए मैंने 1200 रुपये खर्च कर दिए। केशु, फिर से लेडीज रुमाल? फिर से शक किया? इस पर आर नहीं, के लिखा हुआ है। के का मतलब? के का मतलब है कुकी, यू इडियट। कविता भी हो सकता है। देखो, करिश्मा भी हो सकता है। ये साड़ी वापस ले जाओ। नहीं नहीं। अरे पगली मेरी डार्लिंग, तुम कब समझोगी कि तुम्हारी ये पति देव को तुम्हारे अलावा किसी और औरत में दिलचस्पी नहीं है? डैडी डैडी, मॉल में कल हमारे पड़ोस में कौन आ रहा है फ्लैट देखने को? कौन आ रहा है? मशहूर फिल्म एक्ट्रेस प्रेमा शालिनी। मशहूर फिल्म एक्ट्रेस प्रेमा शालिनी? कैसे आ रही है, किस्मत आ रही है। कमान कमान। नॉटी बॉय, आपका नाम क्या है? चिंटू। चिंटू नहीं, मोटू। नहीं बेटा, मोटू नहीं है।
चिंटू डोंट क्राई डोंट क्राई हले हले बेटे 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 लोटरी लोटरी एक मिनट चॉकलेट गुड बॉय नमस्ते जी लेकिन मैम आप मिस्टर दलाल स्टेट एजेंट मैंने कल आपको फोन किया था अच्छा अच्छा नमस्ते नमस्ते ये मेरे हस्बैंड दिल दिल रूबा यस दिल रूबा फ्लैट कहाँ है जी इसी बिल्डिंग में है आइए दिखाता हूँ थैंक यू आइए अले बेटे बेटे चला 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 वेल फर्निश्ड फ्लैट है वेल फर्निश्ड फ्लैट आपको कुछ नहीं करना होगा लेकिन ये हॉल है 12x16 का देखिए ऊपर छत है नीचे फ्लोर है फ्लोर में कारपेट है विंडो में शीशे है और लाइट में बल्ब है बेडरूम कहाँ है बेडरूम इस तरफ है लेकिन पहले बताइए किचन किस तरफ है किचन इस तरफ है पतिल या डॉन पहले बेडरूम देखेंगे शूटिंग से लौटने के बाद मुझे पहले बेडरूम जाना होता है रेस्ट करने के लिए डॉन तुम्हारे लौटने से पहले मुझे किचन में जाना होता है कुक करने के लिए हाँ पतिल बेडरूम फर्स्ट किचन फर्स्ट बेडरूम फर्स्ट किचन फर्स्ट व्हाट किचन बेडरूम फर्स्ट इस तरह ये लो बेटे अच्छा बताओ और क्या क्या लगा फ्लैट की कीमत कितनी है पहले आप पूरा फ्लैट तो देख लीजिए ना बाथरूम किधर है अभी तक मैंने फ्लैट की कीमत क्या बताई है आपका मतलब कि हम डर जाएंगे कीमत सुनकर डोंट यू नो शी इज अ बिग स्टार आई हैव गॉट लॉट ऑफ मनी व्हाट यू मीन बाथरूम किधर है मेरी कुछ और प्रॉब्लम है मुझे हर आधे घंटे के बाद बाथरूम किधर है आप फिक्र मत कीजिए हर बेडरूम के साथ एक बाथरूम अटैच्ड है और साथ में मिरर भी है मिरर या अपने कमेंट्स बाद में करना किचन किधर है नहीं पहले बाथरूम देयर नहीं बाथरूम देयर बाथरूम देयर सॉरी हां किचन जी आइए अरे हट मत दलाल अच्छा बेटे ये बताओ ये बेडरूम कैसे लगा बंदर एक किचन है काफी स्पेशियस है ना ओए मां फ्रिज भी है लेकिन चलता नहीं है मम्मी देयर इज नो गैस वो क्या है ना वो पिछले जो मालिक थे ना मिस्टर कुट्टी वो ले गए साथ में वो पिछले कुट्टी अब वो स्टोव वाले पंप को पंप मारते 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 मेरी तो छाती फूल जाएगी डॉल डॉल मैं राशन ऑफिसर से कह के गैस का कनेक्शन यहाँ ट्रांसफर करा दूँ ऑफ कोर्स मिस्टर कसमारकर तुम्हारे फैन भी तो हैं अच्छा आप रहते कहाँ हैं होटल में हमारा अपना होटल है वर्ली में है वर्ली सी फेस डार्लिंग थोड़ा सा अंदर है डॉल सी फेस डॉल इट्स इनसाइड सी फेस दिल ओके सॉरी दूसरा बेडरूम चलिए आपको दिखाता हूँ okay. चलिए एक्सक्यूज मी बेटे ये किचन कैसा लगा अच्छा है छोटा है ये बेडरूम बच्चों के लिए काफी कंफर्टेबल है इसमें बगीचा भी है देखिए नो चीटिंग ये वॉलपेपर है वही तो अच्छा बेटे ये बेडरूम कैसे लगा बंडल ये बच्चा काफी स्मार्ट है इसके अपने विचार है और होने भी चाहिए भाई दावी कौन सी कक्षा में बैठता आपका बेटा कौन आपका बेटा कम अगेन आर यू मैड देखिए हमारा कोई इशू नहीं है अगर हमारा कोई इशू होगा तो इंडस्ट्री में कितना बड़ा इशू बन जाएगा मेरा फिगर भी तो खराब हो जाएगा ऑफ कोर्स तुम्हारे ये किसका बच्चा है मेरा नहीं है का नहीं ओए बंडल हैं कब से मेरी टॉफी खाया जा रहा है कहता है बंडल निकाल निकाल मेरी टॉफी निकाल टॉफी मेरी टॉफी आ रहा हां
Behave yourself, Dil. Huh? Behave. Sorry. माफ कीजिए, मैं जरा ये बाथरूम में धो के आता हूँ जरा। डार्लिंग, मुझे भी टॉयलेट जाना है, चलिए मैं चलता हूँ। जी? चलिए ना। Not bad. Hey, awesome.